बाबा जी पर हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद है। हनुमान जी का दूसरा रूप बाबा ही है। इस कलयुग का भगवान बाबा है और बाबा जो है श्री राम हनुमान का भक्त है। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे। बाबा का दरबार कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा, कभी भी होगा। हम लोग टीवी पर भी देख के संतुष्टि कर लेंगे। बाबा बोले हैं कि यहाँ भीड़ नहीं लगाना है, हम लोग दर्शन करने आए थे। बाबा का दर्शन करेंगे और आराम से यहाँ जाएंगे, शांति के अनुसार शांति। हम अर्जी लगा दी है, अब उनका महिमा होगा, हमारा सच्चा मन होगा। सच्चे मन से हम यदि अर्जी लगाए होंगे तो बाबा से दर्शन भी होगा और मनोकामना भी पूरा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त त्रेत पाली मठ में हैं, जहां पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का हनुमत कथा हो रहा है। और वहीं बात करें तो आज दिव्य दरबार लगना था, लेकिन जो दिव्य दरबार है वो कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो जो अर्जी है वो लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि बजरंग बली की जो प्रतिमा है वहाँ पर जो श्रद्धालु है वो परिक्रमा कर रहे हैं और नारियल बांध रहे हैं और अपना अर्जी लगा रहे हैं। जिस तरह से बात करें तो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पर्ची उनमें लगाया जाता है, और जिस तरह से बात करें तो जो श्रद्धालु हैं वो आस्था के साथ वहाँ पर पर्ची लगा रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालु से बात करेंगे कि आपने आज आप लोग आज पर्चा लगा रहे हैं? हाँ, तो आज तो दिव्य दरबार कैंसिल हो गया। हाँ, तो कैंसिल हो गया, लेकिन नारियल लाए थे तो रख दिए, बांध दिए। लाए थे लेकिन पर्चा लगाना है, लेकिन हाँ तब क्या करे, बांध दिए, रख दिए वहाँ पर। कितना आस्था है बाबा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ, बाबा बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग थोल से आए हैं, परसा परसा कुरथोल। क्या चीज बाबा का पसंद आपको आता है? बाबा का हर जीव हमको पसंद आता है। हाँ, बोली थी तब बागेश्वर बाबा जो है जो बहुत है अच्छा सन्यासी बाबा। कहाँ से आप? कुरथोल से आए हैं। अभी अर्जी लगाए हैं? हाँ, हम लगाए हैं। तो अब दिव्य दरबार तो कैंसिल हो गया? नहीं, तो ऐसे आए हैं। दिव्य दरबार नहीं लगा, लगवे था नहीं लगा। अर्जी लगा, अर्जी लगा दिए। अभी अर्जी लगा? हाँ हाँ, बक्सर जिला से आए हैं। बक्सर जिला? हाँ, अर्जी लगाने। हाँ, लग गया है तो मेरा, लग गया। हाँ, ठीक हो गए हैं, तबीयत मेरा बहुत ठीक हो गया है। मतलब अर्जी लगाया तबीयत? हाँ, तबीयत ठीक हो गया, जनवरी से मेरा ठीक हो गया, 26 जनवरी से। हाँ, लगाए उसी समय से ठीक हो रहा। बाबा का नाम सुनते? हाँ, बाबा का नाम सुनते ही सब खत्म। हाँ, बालाजी से लई नी अरजिया तो शास्त्री जी निकल ले बनी परचिया। ये भैया दिन रात कैले रही सीताराम के भजनिया तो भाई बटे दूर परेशानी आए भैया। हाँ, बहुत तबीयत सही चल, बहुत बहुत बहुत। बाबा जी पर हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद है। हनुमान जी का दूसरा रूप बाबा ही है। इस कलयुग का भगवान बाबा है और बाबा जो है श्री राम हनुमान का भक्त है। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बाबा बनाकर ही रहेंगे। बागेश्वर बाबा की जय हो। अर्जी तो बाबा का दिव्य दरबार तो आज कैंसिल हो गया? कैंसिल होने से नहीं, हम लोग का दर्शन करने आए हैं। बाबा का दरबार कल भी लगेगा, परसों भी लगेगा, कभी भी होगा। हम लोग टीवी पर भी देख के संतुष्टि कर लेंगे। बाबा बोले हैं कि यहाँ भीड़ नहीं लगाना है, हम लोग दर्शन करने आए थे। बाबा का दर्शन करेंगे और आराम से यहाँ जाएंगे, शांति के अनुसार शांति, नहीं अशांति नहीं फैलाना है। अर्जी लगाने आए थे जी? कहाँ से? हम आए हैं बिहार सारण जिला से, बेला मोहम्मदपुर से। अर्जी लगा दिए हैं बाबा का। सुने हैं कि दिव्य दरबार नहीं लगेगा तो क्या हुआ? हमारा मन में आत्मा में तो बाबा है, गुरु जी है, बागेश्वर बाबा है, सन्यासी बाबा है। हम अर्जी लगा दिए हैं, अब उनका महिमा होगा, हमारा सच्चा मन होगा। सच्चे मन से हम यदि अर्जी लगाए होंगे तो बाबा से दर्शन भी होगा और मनोकामना भी पूरा होगा। कितना आस्था है बाबा पर? बाबा पर बहुत आस्था आस्था है, बहुत है। आप कहाँ से आए? जिला से। अर्जी लगाने? हाँ, लेकिन दिव्य दरबार तो कैंसिल हो गया। तो दर्शन ले लिए, नाम हृदय में है, बहुत है। हाँ, बस कितना आस्था है बाबा बागेश्वर पर? बहुत 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 आस्था है, बहुत। ये मेरी माँ है। उनकी पसंद आती है? भजन पसंद आता है, भजन उनका जो, और गुणगान करते हैं, परिवचन है, वो सब पसंद आता है। बहुत भीड़ है ना? बहुत भीड़, बहुत दसों लाख, लाखों से लाखों भीड़। आप कहाँ से? कटिहार जिला से। एक बार अर्जी लगा दरबार तो कैंसिल हो गया। दरबार तो कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया है तो लगा है ना बाबा का भीड़ यहाँ,
तो इसलिए हम लोग मगन में है, बाबा का खुशी में है जी। कितना आशा बाबा, बहुत आशा बाबा, सबसे खुशी है, बहुत बेहतरीन खुशी है। लेकिन निराशाजनक भी है आप लोगों में कि अर्जी आप लोगों का नहीं लगा? नहीं लगा, फिर भी खुशी है, धन है बाबा, धन है। मोबाइल में देख के हम लोग धन धन बोलते हैं बाबा को, खुशी है, बहुत खुशी है जी। हाँ, आप यहाँ आके भी बहुत खुश हो गए हैं। फरीदपुर से मनोकामना जरूर पूरा होगा। फरीदपुर, फरीदपुर से जी। आप भी अर्जी लगाने आए? जी अर्जी लगाया। अर्जी लगा दी है? नहीं, लग ही नहीं रहा है तो कैसे लगेगा। वो नारियल बांध रहे थे, आपने आपने बांधे? बांधेंगे, बांधे लेके घूमे रहे हैं। हाँ, ग्यारह जी। लेकिन दिव्य दरबार कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया, बात सही है। क्या कुछ कहिएगा, आप निराशा पूरा लग रहा है? कैंसिल हो गया तो निराशा तो हो ही गई है कि बाबा, बात सोचे कि भीड़ी के आदमी है, जाएंगे एक दो दिन रहेगा तो जाएंगे, आरजी लगा के चल आएंगे। कितना आस्था? बहुत बहुत आस्था। कितना बाबा पर? बाबा पर तो आशा अभी हम मिलवे न गई है तो हम कब से बता सकली है। आस्था कितना? आस्था आस्था तो बहुत है, बहुत है। तो जिस तरह से बात करें कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के बाबा जो आए हुए हैं पटना के त्रेतपाली मठ में, जहां पर उनका हनुमत कथा हो रहा, और वहीं बात करें तो आज दिव्य दरबार लगने वाला था, लेकिन भीड़ के कारण जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कल ही कह दिए थे कि दिव्य दरबार कैंसिल हो गया है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि भक्त हैं जो आस्था को लेकर अपने अर्जी लगा रहे हैं कि अर्जी हमारा लग जाएगा, लेकिन साफ तौर पर कहना है कि आस्था बहुत है बागेश्वर धाम के बाबा पर। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।